तो अब देखेंगे कि कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर परसेंटेज में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे और डेसिमल में कैसे करेंगे, या फिर डेसिमल में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में और परसेंटेज में कैसे करेंगे, मतलब किसी एक में दिया हुआ है तो बाकी दोनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें एक्चुअली एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं या एक दूसरे के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसमें। तो यहाँ देखते हैं एग्जांपल एक, सपोज हमारे पास 28% लिखा हुआ है। ठीक है, इस अब ये परसेंटेज में दिया है, इसको फ्रैक्शन में करना है और डेसिमल में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं फ्रैक्शन में, तो 28% को लिखते हैं हम 20%, यानी 20 पर 100, 20 out of 100, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बताया था कैसे करते हैं फ्रैक्शंस के चैप्टर में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए करते हैं 28 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसका, तो 2 14, फिर 2 से जाएगा, फिर 7 बार, अब ये 7 सिर्फ 7 से ही जाएगा तो 1 हो गया, तो इसको लिख दिया 2 × 2 × 7। ठीक है, ये एक तरीका, दूसरे तरीके भी हैं इसके अलावा। ठीक है, और 100 को कर दिया 250 हो गया, 225, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से 1, तो 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, ये एक तरीका करने का। अब इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 2 से 2 गया और इस 2 से ये 2 गया, तो 7/25 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक तरीका और बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, जैसे यहाँ से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा तरीका बताया था कि 28 और 100 का, 28/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो 28 और 100 का एचसीएफ ले लिया। ठीक है, तो 28 और 100 का एचसीएफ जब लिया तो कितना आ जाएगा, 28 निकलता है एचसीएफ। ठीक है, तो 28 3 बार जाएगा ये, तो 28 यहीं 84। ठीक है, और यहाँ बचेगा 16, फिर यहाँ 28, तो 16 एक बार जाएगा, तो यहाँ 16, यहाँ बचेगा 12, फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा 12, यहाँ 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे 12 को डिवाइड कर देंगे तो 3 बार जाएगा 12, और यहाँ 0 आ जाएगा फाइनली। तो जब 0 आ गया तो हमारा प्रोसेस ख़त्म, रुक जाएगा, तो ये 4 जो है एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ की वैल्यू 4 आ गई, तो और 28/100 को हमें कन्वर्ट करना था, तो 4 एचसीएफ है गया, तो 4 से डिवाइड कर दे दो ऊपर नीचे, तो 4 से काटेंगे तो ये 7 हो गया और ये 25 हो गया। तो एचसीएफ से काटने के बाद जो बचता है वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो हमने दोनों तरीके से देखा कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज उसके बाद आता है डेसिमल, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना काफी सिंपल है। जो आपका फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन को ही आप फ्रैक्शन के फॉर्म में मत लिखिए बल्कि वो डिवाइड कर दीजिए उसमें। ठीक है, तो 28 में 100 को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.28। ठीक है, तो डेसिमल में आ गया 0.28। तो इस तरह से हमारे पास परसेंटेज में दिया था तो हमने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो नेक्स्ट उस पर देखते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं, 2 सही 3/4। अब ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सोल्यूशन इसका, तो 2 सही 3/4 है। अब ये क्या है, ये इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता था कि एक एक तो इंटीजर पार्ट होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें से जो 2 है वो होल नंबर है और जो 3/4 है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4 × 2 = 8, 3 = 11, 11/4। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 11 चार से बड़ा है, ठीक है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 3 चार से छोटा है और ये होल नंबर है, ठीक है। खैर ये तो बताया जा चुका है, अब इसको देखते हैं कि परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 2 सही 3/4 है, सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 के 8 और 3 11, तो ये 11/4। फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था कि नीचे 100 आना चाहिए, ठीक है, तो ऊपर नीचे हम 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इस पूरी चीज को मान लेंगे कि अंश है और ये 100 हर है, तो ये तुम ये आपका न्यूमरेटर मान लेंगे और इसको डिनोमिनेटर मान लेंगे, ठीक है, या हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुए 11 × 25 हो जाएगा, तो 11 × 25 कितना हुआ, देख लेते हैं, 11 × 25, 11 × 25 होता 275, ठीक है। तो ये पूरी की चीज आ गई, पूरी की पूरी चीज आ गई 275/100, ठीक है। तो ये हो गया 275%, ठीक है। परसेंटेज 100 से ऊपर जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2% 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाला हिस्सा हो गया आपका, अब डेसिमल में देखते हैं। तो डेसिमल के लिए सिंपली आपको भाग दे देना, तो 2 सही 3/4 था, तो ये हो गया 11/4, और 11/4 होता है सिंपली भाग दे देना हमें। तो भाग देने का तरीका, तो 4 2 के 8 3, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है लेकिन फिर 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पॉइंट करेंगे, तो 4 7 28 बचा 2, फिर 0 उतार लेंगे, ठीक है, तो 7 5 फिर 5 बार चला जाएगा, तो 20 और 20 0 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी ये तो ये हमारा डेसिमल में आ गया, तो 2.75 ये डेसिमल में आ गया। यहाँ से भी देख सकते थे 2.75 आ रहा है, यहाँ से भी अगर 100 से भाग देते हैं तो डेसिमल में 2.75 आ रहा है, दो स्थान पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो परसेंटेज और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आखिरी चीज बची कि अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो बाकी दोनों में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो सपोज ये हमें डेसिमल में एक नंबर दे रखा है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डेसिमल फिर मैं एक दूसरे चैप्टर में बताया गया है डेसिमल के बारे में, डेसिमल्स के साथ कैसे मैनिपुलेशंस करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे 0.24 है, इसको हमें अगर फ्रैक्शन में लिखना है या डेसिमल हटाना है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 24, ठीक है। लेकिन 24 कब आएगा, जब डेसिमल दो स्थान खिसक जाएगा, यानी दो डेसिमल 2 को पार करे और 4 को पार करे, ठीक है। तो डेसिमल खिसकाने के लिए हमें 2 स्थान आगे जाना पड़ेगा दशमलव के इधर, ठीक है। तो यहाँ बटे 1 के 1 लिखा और 2 0 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 2 स्थान पार करने थे। तो अगर 245 होता, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए 245 करते डिवाइड बाई 1000 कर देते, ठीक है, क्योंकि डेसिमल को यहाँ 5 के बाद लाने के लिए 3 0 करना पड़ेगा, ठीक है, 3 स्थान पार करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 0 आ गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो 24/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए बताया कि एलसीएम से करते हैं, एसटीएफ से करते हैं, तो 100 से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 24 चौक जाएगा, 24 चौक 96, ठीक है, तो बचा 4, फिर यहाँ 24 है तो 4 6 24, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। जब यहाँ 0 आ गया तो ये एसटीएफ हो जाता है, तो एसटीएफ यहाँ भी 4 है, तो ये तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, ये इस सवाल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से आ गया ये 24/100 को हम कैसे लिखेंगे, दोनों ऊपर नीचे एससीएफ से डिवाइड कर देंगे, तो 6/25 आ गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में हो गया, तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ गई 6/25। और अब बचा परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए क्या था, ये फ्रैक्शन है
24/100, ठीक है, तो यहाँ नीचे 100 ही है, तो परसेंटेज में 24 हो गया सिंपली, ठीक है। अगर ये होता 0.245, ठीक है, तो इसको कैसे करते, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 245/1000, ठीक है, फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए वो देखते हैं कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हुआ तो यहाँ नीचे 100 चाहिए हमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर 24.5 हो गया, नीचे 100 हो गया, तो परसेंटेज में कितना गया ये 24.5%, ठीक है। तो देखते हैं इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ के लिए यहाँ पे 245 से डिवाइड कर दिया 1000 को, तो जाएगा मेरे ख्याल से 3 बार या 4 बार चला जाएगा, तो बच आएगा 280, सॉरी 4 बार जाने के बाद आएगा 980, ठीक है, 245 गुणे 4, 980, तो बचा 20 यहाँ पे। अब 20 से डिवाइड कर देंगे 245 को, तो ये जाएगा 20 12 बार, तो ये आ गया 240, बचा यहाँ 5, फिर 20 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 4, 20, अब यहाँ 0 आ गया, तो एस सी एफ क्या हो गया 5, ठीक है, ये एस सी एफ हो गया। और अब ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया, तो 245 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 200, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और परसेंटेज में यहाँ कन्वर्ट कर ही लिया था 24.5, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं कि अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो बाकी दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब तीनों में से कोई सा भी दिया हुआ है तो बाकी दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।